आखिर कौन है ये गुड लुकिंग बैड फेलो? अपने आप को रोमियो समझते हो? पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के आखिरी फिल्म 2019 में हमें देखने को मिली थी, जिस फिल्म का नाम था साहो। लगभग 2.5 साल हो चुके हैं और अभी तक प्रभास की कोई भी फिल्म हम बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए हैं। लेकिन दोस्तों, हम सबका इंतजार खत्म होने वाला था 14 जनवरी को, जब प्रभास की फिल्म राधे श्याम रिलीज होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, आप जितने भी प्रभास के डाई हार्ट फैंस हैं, उन सब के लिए एक बुरी खबर आ गई है कि प्रभास की राधे श्याम फिल्म को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही इंडियन सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR के रिलीज डेट भी आगे बढ़ी थी और अब प्रभास की राधे श्याम फिल्म, जो कि 14 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, इस फिल्म को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर राधे श्याम फिल्म के जो मेकर्स है, वो इस फिल्म को 14 जनवरी को ही रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि तेलुगु स्टेट में ये फिल्म 14 जनवरी को संक्रांति होने की वजह से एक अच्छी खासी कमाई कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि राधे श्याम फिल्म के दो प्रोड्यूसर है, एक तो यूवी क्रिएशन जो कि इस फिल्म को तेलुगु में प्रेजेंट करेंगे, वही दूसरी तरफ टी सीरीज जो कि इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने वाली है। तो दोस्तों, एक तरफ यूवी क्रिएशन चाहते हैं कि राधे श्याम फिल्म 14 जनवरी को ही रिलीज हो, क्योंकि फिल्म तेलुगु, तमिल और बाकी साउथ की भाषाओं में अच्छी खासी कमाई कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ टी सीरीज जो कि इस फिल्म को हिंदी में प्रेजेंट कर रही है, तो टी सीरीज के मालिक यानी भूषण कुमार का कहना है कि इस वक्त नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी मार्केट में बहुत सारे स्टेट में सिनेमाघर बंद हो चुके हैं, कई सारी जगह पर 50% की ऑक्युपेंसी है, जिसकी वजह से टी सीरीज चाहता है कि राधे श्याम फिल्म 14 जनवरी को रिलीज ना हो। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस हफ्ते से ही प्रभास राधे श्याम फिल्म का प्रमोशन भी शुरू करने वाले थे और बहुत सारे इंटरव्यू भी देने वाले थे, लेकिन कल ही प्रभास जहां जहां इंटरव्यू देने वाले थे, वो इंटरव्यूज भी कैंसिल हो चुके हैं, जिससे डायरेक्ट पता चलता है कि राधे श्याम फिल्म अब शायद 14 जनवरी को रिलीज नहीं होगी। हालांकि दोस्तों, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन तेलुगु मीडिया के मुताबिक ये न्यूज 99% कंफर्म है कि राधे श्याम फिल्म अब 14 जनवरी को रिलीज नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राधे श्याम फिल्म को पोस्टपोन कर देने का जो निर्णय है, वो सही है या गलत? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।